अच्छा हेमा, एक बात बताना। डू यू रिमेम्बर कि लास्ट टाइम तुमने लव फेस्टिवल में किसके साथ सेक्स किया था? लव फेस्टिवल का एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, फेस्टिवल खत्म होने के बाद आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, और अगर कांटेक्ट किया तो सजा भी हो सकती है। ये कहानी तीन अच्छे दोस्तों के बीच की है। यहाँ पर इनका नाम जया, कल्कि और हेमा है। ये तीनों अभी ब्यूटी पार्लर में हैं और तीनों लव फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे हैं। लव फेस्टिवल यानी कि इस शहर में मनाया जाने वाला ऐसा फेस्टिवल जिसमें शादीशुदा कपल्स को चांस मिलता है एक दिन के लिए सिंगल होने का, और ये फेस्टिवल सभी मैरिड कपल्स के लिए कंपलसरी है। जया ये वाला फेस्टिवल पिछले 4 साल से सेलिब्रेट कर रही है और हेमा पिछले 5 साल से इसका हिस्सा रह चुकी है। कल्कि अभी इस शहर में नई नई है, इसी वजह से वो लव फेस्टिवल के बारे में जानकर उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को इतना एक्साइटेड देखकर कहती है कि मैं भी अपने पति को इस फेस्टिवल के बारे में बताऊंगी। अब अगले सीन में जॉन ऑफिस से लौटकर घर आता है और आते ही अपनी बीवी कल्कि को बताने लगता है कि आज दिन भर हमारे ऑफिस में सिर्फ लव फेस्टिवल की ही बातें हो रही थी। जॉन भी इस फेस्टिवल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा है, जिससे कि कल्कि चिढ़ने लगती है, जिसके बाद वो जॉन से कहती है कि देखो हम लव फेस्टिवल में शामिल ज़रूर होंगे, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी और के साथ सेक्स नहीं करोगे। वो कहता है कि जिसकी बीवी इतनी हॉट हो तो वो किसी और के साथ सेक्स क्यों करना चाहेगा। ये बोलते ही दोनों ही बड़े रोमांटिक हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सोफे पर ही पलंग तोड़ करने लगते हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि ये बाकी हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही पैशनेट लवर्स हैं। इनका तो हर दिन फेस्टिवल ही होता है, इन्हें जब भी टाइम मिलता है तो उस टाइम पर ये सिर्फ पलंग तोड़ ही करना ठीक मानते हैं। फिर अगले दिन तीनों सहेलियां शॉपिंग करने मॉल में जाती हैं और ढेर सारे कपड़े ट्राई करती हैं। तीनों वहीं पर फैशन शो शुरू कर देती हैं, मतलब कि तीनों एक एक करके अपने जलवे दिखाने लगती हैं। शॉपिंग करने के बाद तीनों जया के घर जाती हैं, जहां पर कल्कि हेमा से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछली बार लव फेस्टिवल में किसके साथ सेक्स किया था। तो हेमा उसे कहती है कि लव फेस्टिवल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, लव फेस्टिवल में जाने के बाद उसके बारे में दोबारा किसी से बात नहीं करना। फेस्टिवल में आप किसके साथ हो ये आप किसी को बता नहीं सकते, और जिसके साथ भी किया होगा फिर तुम उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब ये दोनों कल्कि को कहते हैं कि अब इस फेस्टिवल को सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुझे फेस्टिवल में क्या करना है। अब कल्कि अपने घर पर आती है और आते ही वो जॉन पर अपना प्यार बरसाने लगती है। दोनों फिर से सुबह सुबह ही पलंग तोड़ करने लगते हैं। अब दोनों का ये शो खत्म होने के बाद कल्कि जॉन के साथ फेस्टिवल के बारे में ही बातें करने लगती है, क्योंकि ये इस फेस्टिवल को लेकर बहुत ही परेशान हैं। तो इस बार भी जॉन उसे तसल्ली देने लगता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं करूँगा। फाइनली अब लव फेस्टिवल का दिन आ ही जाता है। तीनों फिर से सलोन में मिलती है, तीनों बातें करने लगती हैं, और बातें करते करते कल्कि कहती है कि मैं बहुत नर्वस थी इस फेस्टिवल को लेकर, पर कल जॉन के साथ बात करके मैं पूरी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं बस थोड़ा फ्लर्ट करूँगा और कुछ नहीं। जया कहती है कि मैंने तो फेस्टिवल के लिए स्पेशल वाली लॉन्जरी खरीद ली है। हेमा कहती है कि काश मुझे मेरे टाइप का और अच्छा वाला लड़का मिल जाए। अब किसके साथ क्या होगा और कौन अपनी सील किसके साथ तुड़वाएगा ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब ये तीनों लव फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में पहुंच जाते हैं। अब आते ही जया को एक पार्टनर मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों को छोड़कर उसके साथ गायब हो जाती है। कल्कि को एक लड़का डांस करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो घबरा जाती है और शराब पीने के लिए जाती है। फिर हेमा भी अपने टाइप का लड़का ढूंढने निकल जाती है। बार काउंटर पर कल्कि को एक स्ट्रेंजर मिलता है, वो अपना नाम जैकी बताता है और कल्कि अपना नाम तान्या बताती है। दोनों अब साथ में बातें करने लगते हैं। फिर कल्कि उसे अपने सारे लव फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए कहती है, तो जैकी कहता है कि मैं 3 बार इस फेस्टिवल में शामिल हो चुका हूँ और मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगता है, यहाँ पर म्यूजिक का आवाज़ बहुत तेज होता है। तो दोनों बातें करने के लिए एक अच्छी वाली जगह पर जाते हैं। इधर जया को अपने टाइप का बंदा मिल ही जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ पलंग तोड़ करती हुई दिखाई देती है। अब जैकी तान्या से उसके सीक्रेट्स पूछता है, तो वो बताती है कि मैंने शादी से पहले सिर्फ 1 बार ही किया था,
लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने पति के साथ प्रॉमिस किया है। तो इस बात पर जैकी कहता है कि देखो यहाँ पर सभी अपने लाइफ पार्टनर से प्रॉमिस कर आते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। तुम देखना, तुम्हारा पति भी किसी के साथ मजे ले ही रहा होगा। ये सुनकर तो कल्कि पूरी मायूस हो जाती है, जिसके बाद जैकी उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर क्या, कल्कि अपने सारे प्रॉमिस भुलाकर जैकी के साथ पलंग तोड़ करने लगती है। फिर अगले दिन तीनों फिर से ब्यूटी पार्लर में आकर मिलते हैं और यहाँ पर कल्कि दोनों से कहती है कि मैंने तो कल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डांस करके ही इंजॉय किया। कल्कि अब दोनों को अपने पति के साथ अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर अगले दिन पहले जया और उसका पति कल्कि के घर आते हैं, जिसके बाद कल्कि जया के पति को देखकर पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं वो जैकी होता है जिसके साथ कल्कि ने लव फेस्टिवल मनाया था। इधर जॉन भी जया को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो उसकी कल रात वाली पार्टनर थी, यानी कि अनजाने में कल रात चारों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ के साथ पलंग तोड़ करने लगे थे। अब चारों मिलकर खाना खाने लगते हैं और चारों ही एक दूसरे को देखकर घबराने भी लगते हैं और यहीं पर रीति रिवाज लव फेस्टिवल की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज़ में मानवी चूग एज अ जया, खुशी मुखर्जी एज अ कल्कि, सुप्रिया शुक्ला एज अ हेमा, यश पंडित एज अ जॉन, ललित चौधरी एज अ जैकी, ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और ये उल्लू की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आपको ये वेब सीरीज़ उल्लू के ऐप पर देखने को मिलेगी। और आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। आप इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो रोज़ाना लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आज के वीडियो बस इतना ही। सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।